गुड इवनिंग एवरीबॉडी हाँ किसी को पिछले क्लास में कोई डाउट है एटीन टू सिक्सटी का पॉपुलेशन करेंगे ग्रेजुएट्स नहीं 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 ग्रेजुएट किसी हालत तो में नहीं आएगा और कुछ कोई और क्वेश्चन तो प्रोबेबली पिछले क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोगों का जो जीने का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है अब वो उस आर्टिकल का सेंस में ही बोल सकते हैं एक मिनट देखते हैं हाँ ये जो है मल्टी लेटरिज्म एंड यूनियन लेटरलिज़म देखिए रूल बेस्ड जो ऑर्डर दुनिया में चलता है मतलब कि दुनिया की सारे देश किसी पार्टिकुलर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग uh, पे चले रूल पे चले उसके लिए जैसे हमारे यहाँ पे यूएनओ uh, है हाँ हम जैसे वो, वो हमारे यहाँ पे यूएनओ है तो यूएनओ है यूएनओ कोशिश करता है कि वहाँ पे जो कंट्रीज है कंट्रीज डिस्कस करे और मैटर्स को अगर रिजॉल्व भी करे या अगर जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी काउंसिल अपने हाथ में कमांड ले इसके अलावा मल्टील्टरिज्म uh, में जैसे डब्ल्यूटीओ है तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू भी में भी डब्ल्यूटीओ टी को रूल्स होते हैं उसको सारे के सारे कंट्रीज़ को उसको उसको पालन करना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए तो uh, ये अभी इधर में क्या है कि जैसे यूएसए क्या किया है कि यूएसए डब्ल्यूटीओ uh, को एक तरह से बर्बादी कर दिया है उसमें uh, जो उसका uh, ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा है फिर आप डब्ल्यू को देख को देखे लिए कि डब्ल्यू में भी वो uh, उसको फंडिंग देना बंद कर दिया तो अब चाइना का बात करें तो चाइना के अगेंस्ट में जो इंटरनेशनल कोर्ट है जो इस पर कन्वेंसन ऑन सी लॉज ये भी जो था वो बोला था कि चाइना सी पर जो चाइना अपना कब्जा दिखाता है दैट इज़ इलीगल तो ये सारा का सारा जो आ, मुद्दा आ रहा है इसमें मल्टीलेटरिज्म यानी मिलजुल करके काम करेंगे ये ख़त्म हो रहा है और यूनि बढ़ रहा है तो जो भी मज़बूत कंट्रियाँ हैं वो सोचती है कि हम अकेला अपना आ, अपने हिसाब से चला लेंगे और अभी चाइना उसका आ, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है वो दिया हुआ है जैसे आप देख लीजिए कि कैसे ख़त्म हो रहा पूछ रही थी तो ये यहाँ पे जैसे बता रहा है कि डब्ल्यू का जो फंक्शन है वो कमज़ोर हो गया है डब्ल्यू एच ओ का क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रहा है तो ये ये जो है मल्टीलिटरल ऑर्गेनाइजेशन है इनका क्रेडिबिलिटी कम हो रहा है यानी कि मल्टीलिटरिज्म धीरे धीरे करके इरोड हो रहा है आगे चले ओके okay. तो हम लोगों का जो जीने का तरीका है इस जो नया कोरोना वायरस हुआ है उसको बदल देगा बदल देगा तो कई सारे एडवाइज़र्स आ रहे हैं एडवाइज़र्स आ रहे हैं कि जो जैसे जुडिशरी है तो जुडिशरी को वर्चुअल बना दिया जाए ये राइटर सजेशन दे रहे है कि बहुत सारे केसेज में जैसे टैक्स केसेज है टैक्स रिलेटेड केसेज है तो बहुत सारे केसेज में जरूरी नहीं है कि आ, जज के सामने में जो 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 पर्सनस है जो पार्टीज है वो पहुँचे सारे के सारे जो केसेज अभी डिसाइडेड होते हैं कोर्ट में उसमें ये जरूरी है कि दोनों पार्टी का वकील वहाँ पर पहुँचे रहे बट अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन के बाद भी राइटर का ऐसा ओपिनियन कि लॉकडाउन के बाद भी ये जिस केसेज में ये जरूरी नहीं है कि जैसे टैक्स कैसे कैसेज बता रहे है कि वकील आए ये अपना वो अपना पोजीशन को ईमेल भी कर सकते हैं दोनों वकील और ये जो जज है वो वो उसको देख सकता है इवन डिसीजन भी वो ड्राफ्ट डिसीजन ऐसा बोल रहा है ये ड्राफ्ट डिसीजन वो भेज सकता है पार्टीज को विथ ऑब्जेक्शंस और ऑब्जेक्शंस के बाद जब वो फिर से ऑब्जेक्शन अपना दे देते हैं तो फाइनल डिसीजन दे सकता है तो ये कुछ कुछ ये राइटर जो है ये सजेशन दिया हुआ है कि हम लोगों को जुडिशरी को भी धीरे धीरे करके वर्चुअल बना देना चाहिए एक और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टैक्स के जो, जो कोर्ट्स होते हैं ये कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन होता है टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर जमशेदपुर में कोई केस हुआ तो हो सकता है कि ये रांची का कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन में आएगा ये राइटर बोल रहा है कि फिर क्या होगा कि कहीं का जो जज है उसके ऊपर काफ़ी लोड हो जाएगा कहीं का जज पर कोई लोड नहीं होगा तो बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि ऑनलाइन केस फाइल होने चाहिए और थ्रू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कैसेज का क्योंकि इस कैसेज में प्रजेंस जरूरी नहीं है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जैसे हो सकता है कि जबशेदपुर का जो पर्सन uh, है उसका केस हो सकता है अहमदाबाद में चला जाए और चूँकि सब कुछ ऑनलाइन है तो जरूरी है नहीं कि वहाँ जाना पड़े और इससे क्या होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कैसेज का और जजेज का कांटेक्ट में आने का चांसेस कम होगा जो कि जो कि अच्छा है करप्शन से बचाएगा तो ये एक पोजीशन ये राइटर लिखा लिया हुआ है तो बाकी आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा और भी राइटर बोल रहा है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है वो मुद्दा हम क्लास में उठाए हुए हैं कि जो पेंडेंसी ऑफिस अपकेसे, पेंडेंसी ऑफ केसेज है उसके लिए और जजेज़ के अपॉइंटमेंट होना चाहिए बिल्डिंग्स होनी चाहिए ये सब बातें ये बोल रहा है कि करते हैं लोग लेकिन बोल रहा है कि ऐसा सच नहीं है हमेशा कि जजेज का कमी है बोल रहा है कि जजेज जो हैं उनका अकाउंटेबिलिटी का कमी है आपको क्लास में बताए थे कि अभी भी इंडिया में गर्मी का छुट्टी होता है एक बार फिर विंटर वैकेशन होता है तो जब सारा का सारा कोर्ट रूम में एसी लग जाएगा तो फिर ये समर वैकेशन का कोई मतलब नहीं होता है फिर विंटर वेकेशन इंडिया में इतना लंबा हर छुट्ट हर पूजा में छुट्टी तो ये छुट्टी छुट्टी भी काफ़ी हो जाता है फिर जजेज जो होते हैं वो कई बार आधा ही दिन काम करते हैं तो ये सब भी रीजन बोरा पेंडें पेंडेंसी का रीजन है और जजेज अगर काम करे अपना तो ये पेंडेंसी नहीं होंगे बाकी पढ़ के समझ में आ जाएगा आ, कोई खास सिस्म मुद्दा नहीं है आगे चलते हैं हम लोग तो महाराष्ट्र वाला केस तो आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र में चलिए एक दो क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर गवर्नर नॉमिनेट करता है वन सिक्स सही है और बाकी जो होता है वो इलेक्शन से हाँ इलेक्शन से भरा जाता है तो इलेक्शन जो इलेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है इलेक्शन का मेथड को क्या बोलते हैं कंप्लीट नहीं हुआ था मन्ना अच्छा आरती का आरती का कंप्लीट था न्याय का भी कंप्लीट है और तमन्ना कंप्लीट कर दी है आतुफा कभी सही हो रहा है ठीक है तो ये जो है इस तरीक़ा से इलेक्शन होता है इलेक्शन जो होता है इसमें अगर कोई सीट खाली हो जाए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एम का कोई सीट खाली हो जाए मतलब डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दे तो, तो इस कंडीशन में जो पर्सन इलेक्ट होगा वो नहीं क्वेश्चन चेंज कर क्वेश्चन ये चेंज कर रहे हैं कि एम एल सी का एक एम एल सी कितना साल तक कितना साल तक एम एल सी बने रहता है एक बार चुने जाने के बाद अगर ऐसे कोई चुन लिया गया और वो वो सोचिए कि तीन साल के बाद उसका डेथ हो गया तो जो नया पर्सन चुना जाएगा उसके जगह में वो कितना साल तक एमएलसी रहेगा ठीक दैट इज़ करेक्ट ये जो होगा ये थ्री ईयर्स तक रहेगा और अगर मान लीजिए किसी कोई पर्सन का डेथ फाइव आफ्टर फाइव ईयर्स पाँच साल के बाद होता है तो क्या होगा पाँच साल तक वो सर्व कर लिया फ़ाइव ईयर्स वन मंथ और डेथ हो गया तो ठीक है ऐसे हालत में जो होगा वो वोटिंग नहीं होगा क्योंकि एक साल से कम हो है टाइम तो चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई पर्सन हालांकि बहुत आसानी क्वेश्चन है अगर कोई पर्सन सही है अगर कोई पर्सन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है कितने दिन तक कितने दिन तक सिक्स मंथ आर्टिकल नंबर जो है ये ये आर्टिकल नंबर है यानी कि यहां से शुरू किया तो six सही है सिक्स मंथ तक वो बन सकता है तो सिक्स मंथ तक वो बना सिक्स मंथ और सिक्स मंथ के बाद नहीं इलेक्ट हुआ मेंबर नहीं बन पाया और उसके बाद फिर से आर्टिकल वन का यूज करके फिर से सिक्स मंथ उसको बना दिया ऐसा तो दिमाग लगाया जा सकता है कि सिक्स मंथ तक वो चला सिक्स मंथ तक सिक्स मंथ के बाद वो क्या हुआ वो नहीं इलेक्ट पाया और उसके बाद फिर से बोला गया कि चूंकि 164 सिक्स मंथ तक किसी पर्सन को आ, कोई पर्सन को परमिशन देता बनने के लिए तो हम अभी से जैसे उद्धव ठाकरे को सिक्स मंथ के बाद हम फिर से वन सिक्सटी फोर का यूज करके और उनको बनाते हैं ऐसा कभी ट्राई किया गया होगा तो एक केस है ये है एस आर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना था इट विल बी टेंटा माउंट टू अ सबर्सन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ठीक तो ये नहीं कर सकते हैं तो अभी आपको पता ही है कि नाइन सीट वैकेंट है और नाइन सीट के लिए वोटिंग होने वाला है ट्वेंटी फर्स्ट मे को और इसमें जो भाग लेंगे वो टू एटी एट मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे टू एटी एट मेंबर्स ऑफ विधानसभा तो एक और क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना कितना मेंबर चुनते हैं विधानसभा के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना मेंबर चुनते हैं देखिए इस हिसाब से जो लिखा है लैंग्वेज वो तो बन सकता है लेकिन उसके बाद वो उसका कोई चांस नहीं है अच्छा वन थर्ड सही है अब क्या है कि ये जो अभी कोविड फैला हुआ है कोविड के दौरान में 288 मेंबर से इलेक्शन करवा लेना ये बहुत मुश्किल नहीं होगा कोरिया में तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही करवा लिए तो ये जो होगा 288 मेंबर को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल नहीं होगा कोविड के दौरान में किया जा सकता है लेकिन एक समस्या इसमें दिखा रहा है कि बिहार में नवंबर 29 तक इलेक्शन करवा लेना पड़ेगा नवंबर 29 तक आप लोग बता सकते हैं कि डेट कहां से दे दिया नवंबर 29 तक करवा लेना पड़ेगा ऐसा क्यों डेट कैसे आ गया हाँ, इसका फर्स्ट मीटिंग से टेक ये जो है हाँ इसका फाइव इयर्स कंप्लीट हो जाएगा और एक और भी सर शर्त इसमें आ जाता है कि दो मीटिंग के बीच में गैप जो होना चाहिए वो सिक्स मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये डेट इसलिए निकल कर के आ गया है कि वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी पुरानी लोग पुरानी वाली विधानसभा और अगला वाला का मीटिंग जो होगा वो करवाना पड़ेगा नवंबर 29 से पहले तो ये जो है खैर ये सिचुएशन है अब ये राइटर बोल रहा है यहाँ पर कि हाँ ये जो होगा वो टर्म खत्म होने का बात कर रहा है हाँ इस दिन सेशन हुआ होगा इससे बात कर रहा है अब क्या है एक दूसरा शर्त है पहला शर्त पूरा हुआ पहला शर्त पूरा होगा कि नवंबर 29 को नवंबर ट्वेंटी नाइन को वो जो पुरानी वाली विधानसभा है वो मीटिंग की होगी पिछला साल तो उसका ये पाँच साल कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस दिन वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किसी भी विधानसभा का लास्ट सेशन और नया विधानसभा का पहला सेशन में सिक्स मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए तो उस हिसाब से इस डेट के बाद भी सिक्स मंथ का टाइम रहेगा जिसके बीच में इलेक्शन करवा लिया जाए और विधानसभा को बुला करके बैठक करवा दिया जाए यानी ट्वेंटी नाइन से सिक्स मंथ के अंदर में नया विधानसभा का फर्स्ट सेशन होना चाहिए तो ये सिक्स मंथ का पीरियड जो होगा वो मिलेगा ये ये आ, ये हमारा विंडो है इस विंडो में इलेक्शन कराना पड़ेगा सिक्स मंथ से अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इट विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि इलेक्शन नहीं हो पाया तो. तो रास्ते क्या है देखते हैं रास्ते क्या है कि अगर देश में पूरा देश में या देश का किसी हिस्सा में इमरजेंसी लगा हो इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है तो इलेक्शन जो होंगे वो इलेक्शन को को पोस्टपॉन्ड किया जा सकेगा तो एक चीज है कि इमरजेंसी लगा होगा तो पोस्टपॉन्ड किया जा सकेगा लेकिन ये जो इमरजेंसी लगेगा ये इमरजेंसी आर्टिकल 352, 352 में केवल वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पर अगर लगेगा क्योंकि आपको पता है यही है, आप लोग थोड़ा बता भी दीजिए कि किस किस ग्राउंड पे 352 में इमरजेंसी लग सकता है आप लोग बताइए किस किस ग्राउंड में आर्टिकल 350 को इन्वोक करके इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अमर का गलत आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू को इन्वोक किस किस ग्राउंड पे किया जा सकता सूरज गलत है अनिमेष भी एग्जैक्ट नहीं है बाकी लोग आरती काजल ममता एग्जैक्ट है वार देर आर थ्री ग्राउंड्स वार एक्सटर्नल एग्रेशन एग्रेशन एंड आर्म रिवेलियन आर्म रिवेलियन नहीं आप आप लोग याद कर लीजिएगा इसको जिसको नहीं पता था याद कर लीजिएगा आर्टिकल 352 का यूज करने के लिए three कंडीशंस वन ऑफ द three कंडीशंस must be satisfied that इज वार एक्सटर्नल aggression एंड आर्म रिवेलियन तो अब संविधान बनाने वाले तो ऐसा लिख दिए कि इस तीन ग्राउंड पे इमरजेंसी लगेगा इमरजेंसी के दौरान इलेक्शन को पोस्टपोन्ड किया जा सकता है लेकिन उनको नहीं पता था कि कभी कोविड भी आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कोविड के बेसिस पर अच्छा बात कर अभिषेक कोविड के बेसिस पर तो इमरजेंसी लगेगा नहीं तो ये एक प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी लगा करके इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते एक दूसरा रास्ता है कि 356 को इन्वोक करे और 356 को इन्वोक करके देश, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे ठीक लेकिन ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई सारा फैसला में इसको रिस्ट्रेन किया गया है तो आने वाला टाइम में Uh, अगर बिहार में सबसे पहले बिहार में टेस्ट हो जाएगा अगर इलेक्शन नहीं करवाया गया या फिर uh, करवाने में इलेक्शन कर, uh, करवाना जो बड़ा रिस्की है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा और हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है तो uh, कुछ सेंटेंस uh, पढ़ दे रहे हैं अनलाइक राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस विच कैन बी पोस्ट इनडेफिनेटली ईसी कैन पोस्टपोन्ड इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ओनली ऑफ सिक्स मंथ ठीक लिमिट बिटवीन टू सेशंस ऑफ द हाउस असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बता ही दिया सिक्स मंथ है इसका तो अगर इमरजेंसी लगाएंगे इमरजेंसी लगाएंगे तो एक साल के लिए इलेक्शन पशपन्ड हो जाएगा इमरजेंसी एक साल तक पशपन्ड करवाता है और उसके बाद इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा तो और सिक्स मंथ मिलेगा मतलब एक बार इमरजेंसी लगाना वन एंड हाफ ईयर के लिए वो इलेक्शन को आगे बढ़ा सकता है लेकिन बस वही बात है कि इमरजेंसी लगाएंगे कैसे क्योंकि एपिडेमिक और पेंडेमिक वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा जो कंडीशन है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए तो लेकिन ये भी मुश्किल है तो खैर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आर्टिकल निकला है तो आप लोग पढ़िएगा साउथ कोरिया में नहीं अनिमेष अभी नहीं हो सकता उसके लिए सेशन में होना चाहिए ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट नहीं होते हैं नो ऑर्डिनेंस से पॉसिबल नहीं है ये इसके लिए फिर सेशन बुलाना पड़ेगा सेशन बुलाने के बाद करना पड़ेगा अच्छा तो साउथ कोरिया जो था ये इलेक्शन करवाया बड़ा तारीफ हुआ था कि इस हालत में भी इलेक्शन करवा लिया तो वो कैसे करवाया हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही नहीं वर्चुअल सेशन का कोई सिस्टम अभी नहीं है अभी कुछ नहीं है ऐसा अब कोविड के बाद ऐसे कानून बन सकते हैं तो आ, जो साउथ कोरिया करवाया था वो उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आप आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हम आगे बढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ इस गैस का नाम था एस्टाइरिन काम क्या आता है ये काम अच्छा ये जो काम आता है सिंथेसिस ऑफ पॉलिस्टरीन कई सारे एम एल ए तो एम एल ए नहीं रह जाते हैं उस उसमें मिनिस्ट्री तो काम करती रहती है अच्छा तो ये जो है ये ये पोलिस्ट्रीन बनाने के काम आता है जिससे कई तरह के प्लास्टिक बनते हैं वर्साटाइल प्लास्टिक है जिससे रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं माइक्रो बनते हैं ऑटोमेटिक पार्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में भी ये काम आता है डिस्पोजेबल कप बनते हैं तो ये काफ़ी सारा प्लास्टिक डेरिवेटिव्स जो है उसमें ये काम आता है गैस का नाम था स्टाइरिन तो ये आप याद रख लीजिए फार्मूला है इसका सी एट एच एट ये जो होता है ये लिक्विड में स्टोर होता है ट्वेंटी डिग्री टेम्परेचर से नीचे ये अगर खुल गया इसका इसका बॉक्स तो ये बहुत आसानी से इवेपोरेट कर जाएगा ये इसका इसका खूबी है अगर ये से लोग पॉइजनड होते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है तो लोगों को कन्वलसन होने लगते हैं वॉमिटिंग होने लगती है और वो कोमा में चले जाते हैं तो तो होता क्या है रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इरिटेशन इन आइज इंडाइजेशन नौसिया ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्ससनेस बाकी आप पढ़ेंगे तो ये जो है अगर लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर हो तो ल्यूकेमिया और हेडेक जो होता है, हो, हो सकता है ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर अभी किस कंपनी से लीक हुआ है कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स और ये साउथ की कंपनी है कोरिया का नाम है कंपनी का नाम है एलजी केमिकल पॉलीमर्स इसके पहले एक बार इंडिया में इस तरह का ट्रेजेडी हुआ है वो बड़ा ट्रेजेडी था दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी उसमें काफी लोग मारे गए थे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था तो तो हुआ क्या था हुआ ये था कि इस बार इस बार जो कंपनी है उस कंपनी में कंपनी लॉकडाउन के कारण बंद थी देखिए इसमें जो लगता है केस दैट इज कल्पेबल कल्पेबल होमिसाइड होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यही केस लगता है अमाउंटिंग टू मर्डर तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं हाँ, जो भी पहले जो पर्सन होते हैं उनपे केस लगता है कि कल्पेबल होमिसाइड होमिसाइड का मतलब है कि आदमी मारा गया आदमी मारा गया बट इंटेंशन मारने का नहीं था इसलिए नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो केस uh, तो ऐसे ही चलेंगे निश्चित बात है ले और बाकी रहा कि कैसे इसे बचा जाए तो इसके लिए एस का कुछ प्रॉब्लम है क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और कैसे ट्रेनिंग दी गई थी लोगों को ये एक इशू आता है कि uh, यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग का कुछ चक्कर रहा होगा या उस चीज़ को विजुलाइज नहीं किए होंगे कैसा भी हो सकता है हुआ ये था कि लॉकडाउन था लॉकडाउन में फोर्टी uh, डेज तक कंपनी बंद थी तो कंपनी बंद थी तो जिस भी कंटेनर में उसको रखा गया होगा उसको वो फोर्टी फोर जब कंपनी चालू हुई तो कंटेनर को खोलने गए थे लोग और उसी समय ये लीकेज हुआ है कंटेनर को खोलने गए थे अच्छा ये जब स्टोर किया जाता है तो एक पर्सन हमेशा मतलब ड्यूटी में रहता ही रहता है फोर्टी फोर डेज में भी कॉम्पेंसेशन दिलवाते हैं उसमें भोपाल गैस ट्रेजिडी में कुछ कॉम्पेंसेशन का बात हुआ तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है बट कॉम्पेंसेशन कंपनी देती है इसमें भी कल्पेबल होमी और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में दो तीन साल का जेल का है हम आगे दिखा रहे हैं आप लोगों को तो ये जो है ये आ, इसको वो इसको जब रखा गया लॉकडाउन भी रहा तो इसमें ये इंश्योर करने के लिए टेम्परेचर जो है टेम्परेचर सही रहे इसके लिए एक पर्सन हमेशा ड्यूटी में रहता है और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसके लिए प्रोसीजर है क्या क्या करते हैं ये 44 डेज में लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं कि ये अगर यहाँ पे अच्छा स्टाइलिंग को करते क्या है कि कभी पूरा फिल भी नहीं करते हैं ये भी एक है कि सेफ फॉर सेफ्टी मेजर कि उसका कंटेनर जो होता है वो खाली भी छोड़ देते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़े भी तो उसको जगह रहे आ, आगे ऊपर उठने का खैर ऐसा गेस कर रहे हैं कि इस 44 डेज का जो लॉकडाउन था इसमें वो कहीं ऊपर में जा करके और ये जम गया होगा ऐसा ऐसा गैस कर रहे हैं तो इसीलिए जब वो खोला गया तो बिल्कुल तुरंत से वो वो उसका लीकेज शुरू हो गया तो ये जो ऊपर में जम जम गया इसको बोलते हैं ऑटो पोलमराइजेशन तो बताइए ही दिए भोपाल में एक ट्रेजिडी हुआ था उसके पहले केवल आईपीसी था उस आईपीसी में केस होते थे और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उसके बाद चेंजेज आए हैं कुछ कानून में उसके बाद सरकारें कानून बनाई है भोपाल गैस लीक एक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पब्लिक लियाबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड नेशनल इन्वायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट तो इनका जो केस चलता है अभी फिलहाल वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में ही चलता है अच्छा ये पढ़िएगा अब आ की आप समझ जाएंगे हम आगे बढ़ते हैं एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम काफी कवर कर चुके हैं बताने का जरूरत नहीं है इक्का दुक्का पॉइंट इसमें है एक्स्ट्रा जो आप लोग को पढ़ के समझ में आ जाएगा इसमें राइटर बोल रहा है कि एमपी लोकल डेवलपमेंट स्कीम को बंद कर देना चाहिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ये बात उठे ही है इसमें एक और बात ये उठाया है बोला है कि ये जो एम है ये पैसा ठीक से खर्च नहीं करते हैं मतलब कि बहुत कम एम है जैसे लोकसभा के कल थर्टी फाइव एम है जो पिछला जो लोकसभा थी उसका पूरा का पूरा पाँच साल में पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज किए मतलब ये हफ वे में खर्च करते हैं दूसरा बात ये बोल रहा है कि बोला जाता है कि ये लोग तो केवल सजेशन देते हैं बताते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट कीजिए करते तो डीसी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो ये राइटर बोल रहा है कि हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है किसी का इतना हिम्मत नहीं हो सकता कि वो लोकल एम पी का बात को काट दे तो ये सब मुद्दा ये उठाए दूसरा बोल रहे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को मिलते हैं जो वोट दिला सकते हैं वोट दिलाने में मदद कर सकते हैं या फिर एमपी के क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ये सब कैसे जिसमें उठाया है आप पढ़ेंगे इसको पढ़िएगा अच्छा ये बताइए आप लोग ये जो है एपिडेमिक एक्ट एपिडेमिक एक्ट ये किस साल बना था राजू कैंसर आया है राजू कैंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं इट इज एटीन सेवन बनने के पीछे कारण क्या था बनने के पीछे क्या रीजन रिज था हाँ, टेक, ये जो रीजन था इट वाज बिबोनिक प्लेग नहीं अनिमेस इट इज नॉट कॉल्ड ब्लैक डेथ इसको क्लियर कर रहे हैं इसको बोलते हैं बिबोनिक प्लेग नहीं ब्लैक डेथ नहीं दो लोग गलत हो गए अनीमेस और अभिषेक नॉट इट इज नॉट ब्लैक डेथ ब्लैक डेथ जो है वो थर्टीन थर्टी से फोर्टी के बीच में जो प्लेग फैला था इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ ये वो नहीं ये ब्लैक डेथ नहीं है ये बिबोनिक प्लेग है ये ब्लैक डेथ भी प्लेग ही था बट ये यूरोप में फैला चाइना में फैला आप थर्टीन थर्टी टू थर्टीन फोर्टी का बीच में हम लोग पढ़े थे वो था ब्लैक डेथ तो आप लोग बताइए जो ब्लैक डेथ फैला था जब तो ये इंडिया में उस समय में कौन राजा था जब ब्लैक डेथ फैला था तो इंडिया में कौन राजा था सबसे बड़ा राजा अगर पूरा इंडिया का नहीं हो तो किंग अच्छा कोई नहीं बता पा रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया था एट वाच मोहम्मद बिन तुगलक ठीक तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय में दिल्ली का राजा तुगलक डायनेस्टी और जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं जिनको हम पढ़ाए हैं वाला ये वाला बात तो आप लोग को याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से एक सेना भेजा था चाइना की तरफ में अटैक करने के लिए और ये सेना जो थी इसमें से दस लोग ही वापस लौट पाए थे बाकी सारे के सारे मर गए थे कुछ तो पहाड़ी लोग पत्थर से मार दिए और बाकी लोग प्लेग से मर गए तो ये उसे उस समय का बात है ये अच्छा अच्छा करंट ऑफ हुआ कंटिन्यू रही आप लोग तो ये जो है कि वन ट्वेंटी थ्री इयर्स एगो कंट्रीज फर्स्ट डिजीज एक्ट एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो आया था उसके बारे में राइटर कराची लिया यस राजू तो उसके बारे में राइटर लिखा है क्या क्या डिस्कशन हुआ था तो आ, इसको कौन जैसे उसमें बताया हुआ है कि ये जो बिल था ये लाना लाने वाला कौन था जे वुडबोर्न फिर सेलेक्ट कमेटी बना था उसमें कौन था तो जेम्स वेस्टलैंड फिर क्या क्या डिस्कशन हुआ था डिस्कशन हुआ था कि इंडिया में उस समय में नेचुरली बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पर्दा पर्दा था तो औरतें हिंदू हो या मुस्लिम हो वे वो वेल में रहती थी घूंघट में या फिर बुरका में तो ये मुद्दा डिस्कस किया गया था कि अगर औरतों को अगर घर की औरतों को अगर प्लेग हो जाए तो उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे और इंडिया में लोग ऐसा बात उठा था कि इंडिया में लोग जान दे देंगे लेकिन ये सेग्रीगेशन को नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर ये लोग बोल रहे थे कि चाहे औरत हो या मर्द हो हम प्लेग नहीं फैलने देंगे तो उसी बेसिस पर ये एक्ट आया था तो आपको याद ही होगा ये मुद्दा बाद में ख़तरनाक बन गया कि ये घर घर में घुस घुस पे सबको चेक करने लगे और फिर मर्डर होना शुरू हो गया चले आगे चलते हैं तो ये फिर एक नया राइटर ये राइटर लिख रहा है कि ये जो हम लोग एपिडेमिक एक्ट पढ़ रहे जो यूज कर रहे हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो नया है बट राज्य सरकारें जो यूज कर रही है एपिडेमिक एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ये वन ट्वेंटी थ्री ईर्यस एगो का है ये इतना पुराना एक्ट है तो राइटर बोल रहा है कि अभी जरूरत है नया कंडीशन में एक नया एक्ट बनाया जाए और जो अभी जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको उसमें लाया जाए आपका पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं हाँ अभी तक जो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का बहुत अलग चीज है नहीं थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया है आपका क्वेश्चन को हम डिले नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दो चीज़ को मिक्स कर दिया है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अभी तक हमारी सरकार बोल रही है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है अच्छा कम्युनिटी ट्रांसमिशन कब बोलेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया आप लोग कब बोलेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हाँ सही है आरती और ममता का आंसर मेरे पास आ चुका है तो जब ये बात पता नहीं चलेगा कि किससे फैला तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया तो हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड ट्रांसमिशन लोकल ट्रांसमिशन और और भी कई सारा नाम दे रहे थे पहले में पढ़ चुके हैं तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट मानने को रेडी नहीं है कि यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है राइटर बोल रहा है कि, कि बिल्कुल एविडेंस राइटर ऐसा बोल रहा है कि एविडेंस इज़ क्लियर एविडेंस इज़ क्लियर फ्रॉम कम्युनिटी ट्रांस फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये बोल रहा है कि एविडेंस है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कि एक डॉक्टर था डॉक्टर बीमार हो गया जबकि ये पता नहीं चला कि कौन सा पेशेंट उसको बीमार कर गया डॉक्टर का डेथ भी हो गया तो ऐसे में बोल रहे हैं कि ये बात को छुपाने से कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है ये काम नहीं बनने वाला है राइटर बोल रहा है कि ये बात को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है बोल रहा है कि डॉक्टर्स भी ज़्यादा सेफ्टिव मेजर्स लेंगे अगर उनको पता होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है अगर अगर आप लोग को ये बता दिया जाए कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और किससे हो रहा है पता नहीं चल रहा है तो फिर आप लोग का सेफ्टिव मेजर बदल जाएगा और आपको अगर हमेशा लगेगा कि अभी तो सोर्स पता चल जा रहा है तो हम उससे नहीं मिलेंगे जिसको हुआ है मेरे आसपास में तो किसी को नहीं हुआ है तो हम अभी सेप्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो मतलब कि ये फॉल्स फिर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है कि कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है राइटर प्रूफ करने की कोशिश किया है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है तो विदाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस वेयर परहैप्स डीम्ड अनु बाई दो इसीलिए लोग मतलब डॉक्टर्स कुछ ज्यादा डेथ हो रहे हैं ये तो बोल रहा है राइटर कि ये मिड मार्च में ही ये शुरू हो गया था मतलब कि जब तक लॉकडाउन शुरू हुआ तब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया था चलिए आगे चलते हैं इंडिया में दुनिया का स्ट्रांगेस्ट लॉकडाउन हुआ है इसको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एक इंडेक्स बनाई है स्ट्रिंजेंसी uh, इंडेक्स इसमें इंडिया को हंड्रेड मार्क्स मिले हैं और भी दो चार कंट्रीयां हैं जिसको हंड्रेड मार्क्स मिले हैं कि मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन तो ऑक्सफोर्ड कोविड गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर है ये जिसमें कि जीरो से हंड्रेड तक नंबर दिए गए हैं हालांकि हंड्रेड नंबर मिलने का मतलब मत समझिए बहुत बड़ा हम लोगों को प्राइज मिल गया है बस इसका यही मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हम लोग एक्शन लिए है नहीं लॉकडाउन किए है इसका जरूरत था कि नहीं था वो एक डिबेटेबल बात है वो केवल एक फैक्ट को बता रहा है कि ऐसा हुआ है तो कहीं कहीं पर स्ट्रिंजेंट एक्शन से इटली स्पेन और फ्रांस डेथ टॉल जो हुए हैं वो कम हुए हैं लेकिन कुछ कंट्री में जैसे यूएस यूके यूएस और इंडिया में ये डेथ रुक कम नहीं हुआ है ब, बस यहां पे प्रॉब्लम आ गया केरल में तो खत्म ही है अब आप कम्युनिटी तो वहां तो इस महीना में शायद एक भी केस नहीं आया हुआ है वो निकल जाएगा वो बाहर बाहर है मतलब उसका कंपेरिजन जो है यूरोप के बेस्ट कंट्री से करना शुरू कर दिया है कि ओ, कि ये उन, उन लोगों से भी बेहतर टैकल किया अच्छा खैर तो केरल का केरल हम बता ही चुके ना केरल का जो हेल्थ पे जो फोकस है वो आज से नहीं है वो डेढ़ सौ साल से वहाँ पर वहाँ के राजा लोग हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं हेल्थ सेटअप उन लोगों का बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा है और लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं और वहाँ पे एक और ही बात है कि वहाँ पर देखा जाएगा कि जो वोटिंग है वो रियल इशू पे होते रहे हैं मतलब गरीबी एजुकेशन इक्वालिटी ये सारी की सारी बातों पे वहाँ पर वोटिंग हुआ है लेकिन अभी हाल के दिनों में पिछले साल उस वहाँ का वातावरण को कॉमनलाइज करने का कोशिश खूब किया गया जबरदस्त किया गया सबरीमाला केस में खैर देखते हैं वो लोग बच पाते ही कि नहीं बाकी इंडिया से बचे रहे तो अच्छा है हाँ आगे चलते हैं हम लोग तो ये जो है ये यू के और यूएस और, और इंडिया में जो डेथ हुए हैं ये डेथ कर्ब नहीं गिरा है इवन आफ्टर स्ट्रिक स्ट्रिकस्ट मेजर मतलब ये हमारा एक यही है कि हम हंड्रेड मार्क्स ले आए जरूर है लेट्रिंजेंसी में लेकिन हमारा डेथ रेट Uh, काफी uh, तेज है अभी तो टोटल जो केसेज है आज हमको लगता है अस्सी हजार के आसपास पहुंच गया है uh, मतलब टोटल नॉट ओनली एक्टिव पूरा टोटल केस का बात कर रहे हैं तो अदर कंट्री जो हंड्रेड बा हंड्रेड लाए हैं वो हंडराज अर्जेंटीना जॉर्डन लिबिया श्रीलंका सर्बिया एंड रवांडा तो एक बार इन्फेक्शन इस महीना अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग ये जो है ये आ मतलब इस महीना का या कब का वो oh डे क्योंकि इसका मई का शुरुआत में इसका केसेज पहला चार पाँच दिन तक जीरो ही रहा है अच्छा ये न्यू केसेज ओ अच्छा ये आप न्यू केसेज बोल रहे हैं ना ये न्यू केसेज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अभी जो अभी बाहर से वंदे भारत अभियान हुआ है उसमें जो लोग आए हैं वो इन्फेक्टेड आए हैं तो इसको आप उस तरह से नहीं ले सकते कि वो वहाँ वहाँ का ट्रांसमिशन है वो बाहर से ले आए हैं आए हैं यस करेक्ट वो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बीमारी हो जाए तो कैसे उसका इफेक्ट को कम करेंगे दैट इज दैट इज मिटिगेशन बीमारी ना फैले दिस इज कॉल्ड सप्रेशन ठीक तो ये अच्छा ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है लॉकडाउन जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा तब तक लॉकडाउन थोड़ा-थोड़ा करके उम्मीद है कि चलते रहेगा तो तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कई लोगों के लिए कई लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन अगर छ महीना तक चल जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा मतलब जस्ट डिवास्ट्रक्टेड जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये बहुत बहुत बड़ा समस्या है ये राइटर जिसके बारे में अभी हम जो आर्टिकल सामने में है ये राइटर हर्ड इम्यूनिटी का फेवर किया है कि हर्ड इम्यूनिटी आने दिया जाए तो फिर आप ये बताइए कि ये क्या बात का क्या बात बोल रहा होगा हॉर्ड हो इम्यूनिटी आने दिया जाए क्या बोलना चाह रहा होगा ये क्या सजेशन दिया होगा इसका मतलब ये सजेशन दे रहा होगा कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए सीधा सबक बोल रहा होगा कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए और लोगों को इन्फेक्शन होने दिया जाए लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे एक ये राइटर बोला है कि केस फैटलिटी हाँ ठीक ये केस फैटिलिटी रेशियो बोल रहा है राइटर जैसा बोल रहा है वैसे बोल रहा है केस फैटिलिटी रेशियो इज वन परसेंट ये ऐसा बोल रहा है कि चूंकि केस फर्टिलिटी रेशियो वन है वन परसेंट है तो ये बोल रहा है कि खोल देना चाहिए और इस रेशियो को कम किया जा सकता है जो राइटर बोल रहा है वैसे से बोल रहे हैं आपको और जो इस रेशियो को कम किया जाए जो लोग वनरलेबल है यानी डायबिटिक हाइपर टेंसिव ओल्ड एज इनको बचाया जाए और बाकी लोगों को काम करने दिया जाए तो अगर वन परसेंट से कम फैटलिटी आएगा तो ये होने दिया जाए क्योंकि ये uh, ये लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है ऐसा ये बोल रहा है लेकिन ये राइटर का एक पॉइंट गलत हो रहा है इंडिया में कि इंडिया में केस फर्टेलिटी रेशियो इज़ थ्री पॉइंट थ्री परसेंट ठीक नॉट वन परसेंट तो ये राइटर यहाँ पे ये पोजीशन को जो यूज किया है ये हमको ये सही नहीं दिख रहा अच्छा केरल में केस फर्टेलिटी रेशियो इज ओनली पॉइंट सिक्स परसेंट केरल का रेशियो बहुत ही अच्छा है पॉइंट सिक्स परसेंट वहाँ पर पिछले कई दिनों से कोई नहीं मरा है अच्छा तो खैर तो अब क्या है अब इसका बात कर रहे हैं राइटर का पूरा का पूरा बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि वन परसेंट केस फर्टेलिटी रेशियो है हार्ड इम्यूनिटी आने देना चाहिए ये राइटर ऐसा बोल रहा है ये आर्गूमेंट दे रहा है कि बोल रहा है कि डेथ कैन बी ब्रॉट बिलो वन परसेंट वी इफ वी प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑनरेबल ठीक वो हम बता दिए आपको सेकेंड बोल रहा है कि लॉकडाउन ऑल्सो रिजल्ट इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ये इसका बात सही है कि लॉकडाउन जो हो रहा है उससे भी लोग मर रहे हैं भूख से मर रहे हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा मर जा रहा है ट्रेन से मर जा रहा है तो ये बात इसका ठीक है कि ऐसे भी लॉकडाउन में भी तो लोग मर ही रहे हैं और फिर बोल रहा है कि, आ, कि अगर हम लोग सब कुछ खोल दें तो हार्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक जो जो हल्का फुल्का लॉकडाउन हम लोग रखेंगे उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा हार्ड इम्यूनिटी जो होगा वो जल्दी आ जाएगा और तो ये खैर ये बोल रहा है कि ये ग्रेजुअल ग्रेजुअल एग्जिट यूजिंग मिटिगेशन मेजर इससे ज्यादा लोग बचेंगे तो ये फिर एक क्वेश्चन उठाया है कि ये खुद ही क्वेश्चन उठाया राइटर बोल रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आ, कि इफ इन्फेक्शन विल विद द वायरस विल लीड टू तो इम्यूनिटी खुद ही बोल रहा है कि लॉकडाउन खोल देंगे खोल देंगे लोग इन्फेक्ट होंगे लेकिन कोई गारंटी क्या है कि लोग इम्यून हो ही जाएंगे क्योंकि ऐसे रिपोर्ट तो आए हैं कि लोग फिर से वापस इस बीमारी को ले आ, को बीमारी हो जा रहा है तो ये राइटर फिर आर्गूमेंट दे रहा है कि नहीं लोग ठीक हो जा रहे हैं अपने से अपने आप में प्रूफ है कि इम्यूनिटी तो आ रहा है तो और ये बता रहे लगभग हर बीमारी से इम्यूनिटी आता है तो ये इस पॉइंट को लिया हुआ है जी जी एक और भी बात बोल रहा है कि वैक्सीन देने से जो इम्यूनिटी आता है और एक्चुअल बीमारी से जो इम्यूनिटी आता है दोनों फ़र्क है बोल रहा है वैक्सीन का जो इम्यूनिटी होता है वो वीक होता है और एक्चुअल बीमारी का जो इम्यूनिटी होता है स्ट्रांग होता है तो बोल रहा है कि अगर बीमारी इसके थ्रू अगर इम्यूनिटी लाएंगे इस इस केस में तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो ये सब पॉइंट दे रहा है इसके अलावा एक और एक अलग से इंफॉर्मेशन दिया है ये कि एच आई जिसको बोलते हैं हेमोफेलस इन्फ्लुएंजा बी इसमें इम्यूनिटी नहीं आता है इस बीमारी में तो इसमें जो वैक्सीन इस तरह से बनाते हैं ताकि इम्यूनिटी आए तो ये बोल रहे कि इक्का दुक्का ही ऐसा बीमारी है कि जिसमें इम्यूनिटी नहीं आता है तो लेकिन इसमें चांसेज है कि आ रहा होगा इसलिए खोल देना चाहिए ऐसा बोल रहा है कि खोल देना चाहिए कॉन्टेम्ट फॉर लेबर बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है हम कल ही बोल दिए थे कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स जो लेबर लॉज है उसको स्क्रैप कर रहे हैं वो कोई तीन महीना के लिए कोई तीन साल के लिए बोल रहा है कंपनियों को लेबर लॉज से छूट मिलने वाला है काम का घंटा जो होगा अभी तक एट आवर्स काम का घंटा होता है इसको बढ़ा करके ट्वेल्व आवर्स पर डे कर दिया जाएगा और वीकली सेवेंटी टू आवर्स कर दिया जाएगा ठीक यानी छः दिन तक आप बारह घंटा काम करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको फोर्स कर सकता है इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स है वो सेफ्टी मेजर्स भी उनके लिए भी छूट मिल जाएगा यानी कंपनियाँ से कम से कम सेफ्टी मेजर्स में भी फैक्ट्रियाँ खोल पाएंगी यानी कि सारा का सारा जो बोझ है जो कोविड का वो सारा का सारा बोझ ये लेबर पे आएगा तो ये मध्य प्रदेश भी काम किया है राजस्थान भी किया है मध्य प्रदेश हाँ नहीं ये बोल रही है अभी से कि ये आसान नहीं है लॉकडाउन खोल देना थ्री परसेंट इज स्टिल बिग फिगर थ्री परसेंट कम नहीं है थ्री परसेंट का मतलब हो गया कि हमारे आसपास में कई लोग हम लोग तो मरते हुए देखेंगे तो आसान नहीं है ये वो, वो थ्योरी है बट इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा अच्छा आगे चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश जो है वो फैक्ट्री वो बता ही दिए ट्वेल्व आवर्स और सेवेंटी टू आवर्स इसके अलावा यूपी भी ऑर्डिनेंस भी ले, ले आया है जिसमें कि तीन साल तक सारे लेबर लॉज जो होंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे लगभग सारे लेबर लॉ में जो चेंजेज आ रहा है हाँ देखिए इस बारे में हम ये बोल सकते हैं आप लोगों को कि कानून चाहे जो भी रहे हो जो माइटियर पीपल है आप तो क्या आपके बारे में भी बात नहीं करेंगे यूट्यूब पर तो आ, जो माइटियर पीपल है ये लोग उसको बिल्कुल ठेंगा दिखा देते हैं एकदम बिल्कुल ठेंगा दिखा देते हैं जो भी कंपनियां हैं आजकल कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी वो अपने लेबर से ज़्यादा काम ले रही है दिस इज़ अ फैक्ट वो ले रही है काम आपको कहीं भी आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है पहले ही बोल दिया जाए कि सुबह सात बजे से लेकर के शाम ले को सात बजे तक काम करना पड़ेगा बात मतलब सीधा सा बात कर देते करना है तो करो और नहीं तो मत करो तो ये पहले से ही वीक होते चले जा रहे थे और ये इसमें अब सरकारें और भी आंखें बंद कर लेंगी तो जो ये चेंजेज हो रहे हैं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत पड़ेगा एसेंट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि एसेंट देती है कि नहीं लेकिन लेकिन ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के नाम पर ये सारा का सारा बोझ जो होगा सरकारें अब लेबर पे ही डाल देंगी माइग्रेंट वर्कर का तो पूछिए ही मत कि हाल क्या है माइग्रेंट वर्कर पे मतलब सही में ये बहुत बहुत बुरा हो रहा है ये माइग्रेंट वर्कर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो सोचिए फैक्ट्री में रह रहे थे एम्प्लॉयर जो का फैक्ट्री बंद कर दिया है इनका रहने का सेल्टर नहीं है रहने का सेल्टर नहीं है जो लोग राशन कार्ड वगैरह जिनके पास नहीं है उनको खाना नहीं है लोग इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं उसमें से जो स्वाभा स्वाभिमानी लोग होंगे उनको पसंद नहीं आ रहा होगा तो ये लोग निकल पड़े हैं निकल पड़े हैं तो रोड पे इनका पुलिस पिटाई कर दे रही है कभी पकड़ के उठा करके क्वारंटाइन सेंटर में डाल दे रहे हैं कभी डिटेंशन में जेल में डाल दे रहे हैं फिर ये लोग भाग भूख के छुप छुप छाप के फिर रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं तो रेलवे में पिटाई हो रहा है मतलब ये बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है ये मतलब ये इंडिया आ, मतलब ये राजतंत्र से भी बुरा हाल में दिख रहा है इस समय मतलब लोगों के लिए कोई इम्पैथी गवर्नमेंट का बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया है सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी कई सारे पुलिस वाले ऐसे बने हुए कि सब्जी वगैरह फेंक दे रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इधर में तो माइग्रेंट वर्कर जो है मर रहे हैं लाठीचार्ज हो रहे हैं उनको सेल्टर्स में ले जाए जा रहे हैं उन पर स्प्रे कर दिया जा रहा है और जब वो घर पहुंच जा रहे हैं अपने गांव छुप छाप के तो वहाँ के गांव वाले उनको घुसने नहीं दे रहे गांव में ये भी एक, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वो गाँव और घर एक सपना देख कर के आ रहे हैं लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसको राइटर बोल रहा है नो वे सिटीजन ऑफ इंडिया खैर बाकी पढ़िएगा हाल तो खराब ही है फिर क्या है गवर्नमेंट जो है इन लोगों को जो लेबर है इनको पैसे का कमी है पैसे का कमी है तो सरकार एम्प्लॉयर को बोल दी कि इन लोगों को पैसा दे दीजिएगा आप लोग पैसा मत काटिएगा एम्प्लॉयर कितना दिन पैसा नहीं काटेगा तो वो खुद पेमेंट करने के जगह सरकार को यहाँ पर खुद आना चाहिए था कि हम पेमेंट कर रहे हैं आप जो लेबर है जो भी मेरे पास एटलीस्ट जितना नॉलेज में है जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर है उनका पेमेंट एक महीना का हम खुद दे देंगे तो वो एम्प्लॉयर पर डाल दिया है एम्प्लॉयर दे नहीं पाएंगे तो और तो ये जैसे अभी जो पैकेज अगर अभी आ रहा है सारा का सारा लोन का पैकेज है कि लोन ले जाइए लोन ले जाने से नहीं होने वाला है यहाँ सीधा सीधा पैसा अगर आप लोगों को देंगे तब तभी वो काम आएगा खैर इसके बारे में हम लोग अगला बार बात करेंगे पैकेज को देख लेते हैं एक बार तो ये जो है जो पेइंग कॉम्पेंसेंटरी वेजेज वही बताया कि पेमेंट कर दीजिएगा तो इससे किसका ऊपर में डालती है ओनर्स ऑन द एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के ऊपर में डालती है हु आर ऑलरेडी हिट हार्ड बाई प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेबर जिस स्टेट में जाएंगे वो स्टेट का बहुत बुरा हाल पहले से ही है अगर अच्छा हाल होता तो लेबर गए ही क्यों होते तो ये भी समस्या है कि उनका भी जो है वो वीक फिजिकल कैपेसिटी है तो वो लेने का मतलब वो भी नहीं चाह रहे कि वो आए उनके पास राइटर को सजेशन दिया है कि द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक कैन ओनली बी बिल्ट ऑन द विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज इंक्लूसिव इक्विटेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया नीड्स अ यूनिफाइड लेबर मार्केट अब यूनिफाइड लेबर मार्केट अगर होगा तो इसमें हो ही सकता है कि सारे के सारे जो लेबर है वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे सिंगल पोर्टल पे और वहां से वो जाएंगे जहां जाना होगा तो इससे क्या होगा सरकार के पास सारा का सारा डेटा बेस होगा और ये ये लेबर लोगों का वेलफेयर के लिए ज्यादा सोच सकती है तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए तो ये राइटर को सजेशन दिया है जब करंट ऑफ ये जो है ये जब जब किसी कोई पर्सन एक बीमारी जब किसी को होता है और रियलिटी में वो कई सारे अगर बीमारियों के कारण उसका डेथ होता है एक बीमारी के साथ दूसरा बीमारी जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं को मॉर्बिडिटी तो जिनके जो जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटी है जैसे हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज वो लोग इससे ज़्यादा मर रहे हैं कोविड से तो आ, ये राइटर बोल रहा है इस इस आर्टिकल में कि, आ, कि कौन सी बीमारी को एपिडेमिक बोला जाएगा और किस बीमारी को नहीं बोला जाएगा ये इसका कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ये बोल रहा है कि इंडिया में हर एवरी टेन सेकेंड्स हर दस सेकेंड में एक आदमी नया आदमी को टीवी होता है ठीक और आ, हर दिन फोर्टीन हंड्रेड पीपल टीवी से मरते हैं ये एक नया एंगल लाया है ये हर दिन फोर्टीन हंड्रेड पीपल टी से मरते हैं आपको पता है अभी भी इंडिया में इतने लोग अभी कोविड से मरना नहीं शुरू हुए हैं और हर दस सेकंड में एक लोगों को टी होता है इसका मतलब ये है बोल रहा है कि टी का जो आर नॉट वैल्यू है वो आर नॉट वैल्यू कोविड से ज़्यादा है ऐसा बोल रहा है लेकिन फिर भी टीबी को एपिडेमिक नहीं बोलते हैं ये ऑर्डिनरी डिजीज बोलते हैं क्यों क्योंकि ये जिन लोगों को अफेक्ट करता है ये लोग गरीब होते हैं अक्सर तो इसीलिए उसको बोलते हैं पुअर्समैन डिजीज तो पुअर इसको पुअर स्पेंड हीज बोलते हैं तो ये राइटर ऐसा बोल रहा है कि जब बीमारियाँ अमीरों को वेल टू डू लोगों को असर करने लगती है तब उसके ऊपर ध्यान जाता है उसको एपिडेमिक और पैंडेमिक बोलते हैं और कुछ बीमारियाँ जो जो भले ही उसका आर नॉट वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन उनको एपिडेमिक नहीं बोला जाता है ये एक अलग एंगल से मुद्दा को देखा है राइटर तो ये बोल रहा है कि इट बिकम्स imperative टू आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव fatality रेट्स ऑफ many ऑफ द साइलेंट epidemics, विच इन their ओन राइट रिक्वायर्ड अर्जेंट attention। बोल है कि बहुत सारे साइलेंट डिजीजेज है जो जिससे लोग मरते हैं उनका फटेलिटी रेट भी हो सकता है कोविड से ज़्यादा हो तो एनालिसिस होना चाहिए ताकि इन साइलेंट डिजीज को भी कंट्रोल किया जा सके तो शुरुआत में ही वो कुछ कुछ ऐसा डेटा दिया था वो हम आप लोगों को नहीं दिखाए जैसे जैसे कुछ बीमारियां जब आइडेंटिफाई नहीं होती है तो बोलते हैं हैंटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अब किस बैक्टीरिया से किस वायरस से हुआ है ये पत, पता लगाने का डॉक्टर जरूरत भी नहीं समझते है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक तो ये सब बोल रहा है कि ये सब भी है जिससे कि लोग मारे जाते हैं और इसको एपिडेमिक में नहीं रखते आगे बढ़े अगला वो जो ये है वो इंटरेस्टिंग है आरोग्य सेतु ऐप को एक इथिकल हैकर है रॉबर्ट बैप्टिस्ट ये हैक कर लिया ये ट्विटर पर ये इलियट एल्डरसन के नाम से जाना जाता है ये हैक कर लिया और ट्विटर में ये बताया कि वन इन्फेक्टेड पर्सन इन इंडियन ऐट इंडियन पार्लियामेंट एंड थ्री एट होम ऑफिस ऐसा वो बताया कि हम देख लिए हैं डेटा इसके बाद वो आरोग्य सेतु ऐप के ऑफिशियल अकाउंट को टैग किया कि आपका आ, जो ये ऐप है इसमें कई सारे सिक्योरिटी होल्स है आप नाइन्टी नाइन करोड़ इंडियंस का जो डेटा है आप उसको खतरा में डाल दिए हैं और आप आ, मेरे से चाहे तो बात कीजिए ठीक तो सरकार का जो राग होता है वो वो पुराना ही राग होता है कि हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि आपका डेटा बिल्कुल हमारे यहाँ सुरक्षित है कुछ आ, आपका डेटा डेटा किसी को नहीं दिया जाएगा लेकिन ये इस तरह से वेग बात जरूर किया कि इंडियन पार्लियामेंट में एक पर्सन इन्फेक्टेड है और थ्री एट होम ऑफिस लेकिन ये बाद में बोला कि अगर हम चाहें तो हम बता नाम बता दें कि कौन कौन और ये साथ में भी बोला कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि इट इज सॉप्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम बोला कि ये सही है वाज राइट बोला इट इज सर्विलेंस सिस्टम तो ये खैर इसके हिसाब से आरोग्य सेतु ऐप हैक हो गया और अगर ये हैक हो रहा है तो ये सचमुच ही बहुत खतरनाक ऐप है ये आ, मतलब जो लोग पहले जो आ, मतलब इसका मिसयूज हो ही सकता है अगर सरकार इसका मिसयूज करना चाहेगी तो पॉलिटिकल ओपोनेंट पर यूज करेगी और अगर हैकर से डाटा को अगर डार्क वेब में आ, आ, डार्क वेब में बेचने लगे तो ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा रास्ता जो होगा वो खुलेगा अच्छा तो ये भी पढ़ ही लेते हैं एयर वैरियर्स सरकार बड़ा बड़ा था थोड़ा बता देते हैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर्स एक से एक नाम मिलेगा आपको सी वन थ्री जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एस यू थर्टी एम के आई डिब्रूगढ़ से अहमदाबाद और श्रीनगर से कन्याकुमारी ये उड़े है कि जो डॉक्टर जो कोविड कोविड फाइटर्स है उनको उनका इनक्रेजमेंट के लिए उनको सबासी देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये घूम रहे थे तो हमारे देश में ताली थाली दिया इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है खैर ताली ताली में और थाली में तो पैसा का नुकसान नहीं हुआ आ, लेकिन इसमें अच्छा खासा सरकार का करोड़ों रुपया सरकार थूक दी होगी जिसको कि यूज किया जा सकता था फॉर समथिंग बेटर कुछ माइग्रेंट वर्कर को ही ले लेते कुछ दवा इधर से उधर कर देते कुछ भी क्रिएटिव किया जा सकता था लेकिन अगर आप बोलेंगे सरकार को तो हमारे जो बिपिन रावत है वो बोल दिए उनसे बोला गया कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसका तो बोल रहे वो पढ़े लिखे बुद्धिहीन तो मिलिट्री का पर्सन जो है उसका हिम्मत इतना भी हो जाता है कि पॉलिटिकल मैटर्स में भी वो बोलने लगता है और मतलब सबसे महान बुद्धिमान इन लोगों को लगता है खैर ये जो है ये हुआ जो भी हुआ ये तो हुआ है तो थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट यूज किए गए टेन फाइटर्स फोर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पे ना हम घूम फिर के आखिरकार आ जाते हैं वहीं पे हमारे यहाँ पर uh, बच्चों को सबसे अच्छा लगता है कि मम्मी पापा ऐसे हो जो एग्जाम के दिन सुबह सुबह शाम को तो पहले पूजा करा के ले आइए सुबह सुबह बच्चा को बोलिए कि एग्जाम है बड़ों का पैर छू के जाओ और जाने से पहले दही खिला दीजिए ठीक सारा का सारा हो गया फाइटिंग एग्जाम का तो ये करना ना बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा बड़ा सिंपल है ये ये, ये बड़ा सिंपलिस्टिक तरीका से हम एग्जाम अगर पास करते हैं तो ये हमारे देश में बड़ा मतलब आसानी से लोगों को बड़ा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है तो मेन इशू जहाँ पे है कि फोकस करना टेस्टिंग हो पी, -पी किट हो जो भी मेन इशू है जिससे बीमारी कम होगा मतलब माँ बाप अगर बच्चों को ये बोले कि पढ़ो ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो इस तरह से लिखना तो ये बिल्कुल हिट रहा टारगेट पर और ये जो है राउंड अबाउट वे है जिससे कुछ होना नहीं है अच्छा खैर मनोबल काफ़ी बढ़ा दिए तो ये जो हो गया नेवी आई एन विक्रमादित्य भी, भी था इल्यूमिनेशन हुआ और आर्मी भी बैंड बजाई कोई कोई हॉस्पिटल के पास आ, कोई कोई हॉस्पिटल के पास जा करके बैंड बैंड बजा रहे थे सब कुछ हुआ जो हुआ तो आपको पता ही है चलिए मोरल मोरल बुस्टिंग हो रहा था ये वही सुबह में दही खिला दिए बच्चा भी खुश है कि अब मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा हाँ तो इसमें केरल का आ, आ, का ये बोल रहा है केरल में एक मई को एंड वन थ्री एंड फोर्थ मई को कोई केस नहीं आया था और इसका फर्टेलिटी रेट है वो ओनली पॉइंट सिक्स परसेंट है अभी केसेज वहाँ पे आए हैं वो बाहर से जो लोग आए थे वो तो उसका हैंडलिंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कैसे इसको को वो हैंडल किया है मजेदार बात है कि केरल जो है डब्ल्यू एच ओ जब बोली थी कि इट इज ऑफ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न ऐसा जब डिक्लेरेशन की थी उसके एक दिन पहले ही केरल लॉकडाउन कर दिया था मतलब लॉकडाउन मतलब एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद इंटरटेनमेंट सेंटर बंद यानी कि ग्यारह मार्च को डब्ल्यू एच ओ बोली थी इट इज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एलेवेंथ को और टेंथ को ही केरल जो था वो स्कूल कॉलेजेज और थिएटर्स वगैरह को बंद कर दिया था एक दिन पहले और हमारे यहाँ दस दिन बाद तक ट्रंप के साथ मस्ती हो रहा था और दिल्ली में हम लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे तो फर्क तो है मॉडल में आगे चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो थ्री विथ थ्री लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड दलित ये हिंदुज़म छोड़ दिए और बुद्धिज़म को इमराज किए थे अक्टूबर 14 को तो इसके बारे में uh, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा तो वो हिंदू धर्म से नाराज थे नेचुरली दलित लोगों लोग जो होते हैं वो अक्सर हिंदू धर्म में अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं और उनको लगता है ये धर्म हमारे काम का नहीं है और एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हिंदुज़म से कन्वर्शन हुए हैं इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तो जब इनको धर्म बदलना था तो ये इनके दिमाग में एक बात था कि जब हम धर्म बदलेंगे तो ऐसा धर्म में जाएंगे जो कि इंडियन सोयल का हो भारत का भूमि से भूमि से निकला हुआ हो तो कुल मिलाकर के उनको जो लगा कि बुद्धिज्म इज मोर रैशनल रिलीजन तो वो उसको अपनाए तो उनके सामने में अशोक से भी इन्फ्लुएंस थे वो और एक नंदनार है सेंट दलित सेंट दलित नयनार दलित नयनार सेंट इससे भी वो इन्फ्लुएंस थे हाँ तो आप लोग बताइए ये नैनार कौन होते हैं हु वेर नैनार्स हाँ अभी ये ट्रेवलिंग वगैरह के मैंडेटरी कर दिया है और जहाँ पर रेड जोन और रेड जोन वगैरह में ये मैंडेटरी कर दिया है वो उसमें लिखा हुआ है देख लेते हैं हाँ तब तक तो आपको नैनार के बारे में बताइए पिछले क्लास में था वो कि किसको किसको मैंडेटरी किया हुआ है। गवर्नमेंट ने एम्प्लाई के लिए तो कर, कर ही दिया था कर दिया है हा नयनार जो है देवेयर सेव सेंट्स सैंट्स, सैंट्स ऑफ साउथ इंडिया तो वैष्णव संत को क्या बोलते हैं वैष्णव संत को ठीक जो लोग बोले हैं सही बोले हैं इट इज अलवार अच्छा तो नैनार संत कितने हैं टोटल नैनार कितने हैं नयनार संत जो है वो होते हैं सिक्सटी थ्री इट इज करेक्ट और ये जो नंदनार लिखे है ही नयनार मतलब सिक्सटी थ्री में से एटीन है ये नयानार और इसका और नयानार और भी इसके खूब है कि इट इज ओनली दलित मैनार ठीक तो नेचुरली तो इससे वो अंबेडकर का ये इंस्पिरेशन भी थे अच्छा अलवार कितने होते हैं ठीक है राजू का आंसर पहले आ गया है दैट इज टू दैट इज करेक्ट हाँ सही है तो ये जो है अभी आगे बात करते हैं पहले जो सिगरेट के डब्बे होते थे सिगरेट के पैकेट्स पर लिखा होता था एस्टेच्यूटरी वार्निंग वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो ये ये शुरुआत था कि सिगरेट पीने से लोगों को रोका जाए इसके बाद क्या हुआ कि उस पर सरकार बोली कि नहीं इस पर लिखना पड़ेगा सिगरेट पीने से कैंसर होता है स्पेसिफिकली कैंसर होता है तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग वार्निंग हुआ उसके बाद सारा दुनिया में में डिसाइड किया गया कि इसको डिस्करेज करने के लिए पिक्चोरियल वार्निंग होनी चाहिए यानी कि कोई एस्कल्टन कोई आ, या फिर कोई आ, कैंसर का कोई फोटो वगैरह उसमें डाला जाए तो अभी जो हमारी सरकार है दो नया फोटो इशू की है वो बोली है कि सितंबर तक जितने सारे सिगरेट बनेंगे उसमें एक एक फ़ोटो लगेगा और सितंबर के बाद नया फोटो लगेगा तो अभी तक जो फोटो लगता था वो फोटो को चेंज कर दिया जाएगा नए फोटो लगेंगे इसके पीछे कारण ये है कि लगातार एक ही फोटो को जब सिगरेट पीने देखते रहते हैं तो उसके सेंसिटाइज हो जाते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो उनको बार बार नया फोटो दिखाया जाता है ताकि वो सिगरेट पीने से वो रुके और थोड़ा उनको नयापन लगे कि खतरा है आगे चलते हैं ये जो आर्टिकल लिख आप को दे रहे हैं विलेज इन आसाम और जम्बोज हाथियों के बारे में ये सब आर्टिकल प्री एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता बट मेन एग्ज़ाम में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एक इशू हो सकता है तो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और ह्यूमन बींग का जो कन्फ्लिक्ट है वो सुंदरबन में तो टाइगर के साथ होता है और बाकी जगह में ये ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट है ये हो रहा है आ, हाथियों के साथ तो जब फसलें होती है तो हाथी जो होते हैं वो अभी जब चावल का खेती जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो झारखंड में भी हाथी कई बार दलमा से उतरते हैं और कई सारे खेतों में जा करके और वो खेत को खा लेना चाहते हैं या फिर महुआ से जब इलीगल शराब लोग बनाते हैं तो शराब पीने के लिए भी हाथी पहुंच जाते हैं कई बार तो आसाम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मानस नेशनल पार्क के आसपास में जितने गांव थे वहाँ पर आ, हाथियों का अक्सर रेड होता रहता था घर वगैरह तोड़ देते थे तो पहले क्या किया गी? कि पोल लगाया गया और पोल में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वायर लगा करके और आ, और उनको रोकने का कोशिश किया गया तो ये लोग क्या किए कि हाथी पोल ही उखाड़ देते थे तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अभी क्या है कोई टेक्नोलॉजी ऐसा लगाए हैं जिसमें कि हैंगिंग वायर होगा हैंगिंग तो हैंगिंग वायर होगा तो वो जो होगा वो वायर ही वायर है तो उस पर वो टच करेंगे तो हल्का सा करंट लगेगा जिस वो पीछे हट जाएंगे तो आ, लेकिन हैंगिंग वायर में वो इतना हाइट रखे है ताकि छोटे छोटे जो एनिमल्स है वो क्रॉस कर सके केवल हाथी नहीं क्रॉस कर सके तो ये सक्सेसफुल हुआ है मॉडल तो आ, ये भी आप पढ़ सकते हैं द वायर्स आर नॉन नौ, नॉन लिथल इस बार का जो दादा साहेब फालके अवार्ड है वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मिला है उसका नाम है ची ये ची जो है ये अरुणाचल प्रदेश का के आ, कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक सेफ दुपकेन कम्युनिटी है ये कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, ये लोग आ, लोकल सामान का पूरा यूज करके और आ, हनी निकालते हैं हनी हार्वेस्टर है ये लोग तो ये लोग लंबा लंबा ट्रैकिंग करते हैं और रात में कहीं जंगल में रुकते हैं और रुकने के बाद में वो जा करके हनी निकालते हैं तो हनी निकालते हैं तो जितना सारा सामान होता है चाहे बास्केट हो चाहे लैडर हो या जलाने का जो सामान है जो धुआं करेंगे मधुमक्खी को भगाने के लिए ये सारा का सारा काम ये लोग मतलब वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं तो आ, ये इसके पर डॉक्यूमेंट्री बना है और केवल कुछ लोग बच गए छः सात लोग जो इस स्किल को कि कैसे निकालते हैं वो जानते हैं जब ये लोग खत्म हो जाएंगे तो इनके साथ ही साथ ये स्किल भी खत्म हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला बोल रहा है हम इसलिए डॉक्यूमेंट्री बना लिए ताकि स्किल कम से कम लोग को पता रहे कि इस तरह से लोग काम करते थे कभी ये वाला न्यूज क्लासेज में काफ़ी कवर करते हैं बहुत ज़्यादा कवर करते हैं तो हर साल ये आ जाता है ये मुद्दा इसी सीज़न में तो ये अगर हम लोग एक एक, एक जस्ट एक छोटा सा मैप बना पाएंगे लेकिन ये सारा का सारा जो ओसन है हमारा ये ओसन में सारा दुनिया में जो ओसन फैला हुआ है यहाँ से ऑलिव रिडले ऑलिव रिडले जो टर्टल्स है ये लोग इस मतलब मार्च का आसपास में ये लोग वो, वो सारा दुनिया से उड़ीसा के आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं और उड़ीसा कोस्ट पे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर लाखों मेल और फीमेल टर्टल्स रहते हैं ये टर्टल्स रहते हैं और यहाँ पर इनका मेटिंग होता है मेटिंग होता है मेटिंग के बाद जो मेल होते हैं वापस चल जाते हैं और फीमेल्स वेट करती है कि मौसम अच्छा रहेगा कंडक्टिव रहेगा तो फिर अंडा देंगे तो ये कई बार क्या होता है कि इनका अंडा को वो एक तरह से एक पॉज में भी रख देती है कि कि अगर लग रहा है कि अभी मौसम ठीक नहीं है तो दस दिन तक घूमते रहेंगे वहाँ पर जब सही इन्वायरमेंट आएगा जैसे बारिश होना शुरू हो गया तो वो रुक जाएंगे वो वसन में ही रहेंगी और जब धूप निकलेगा तो ये निकलेंगी और जा करके वो अंडे डाल देंगी और अंडे से एक बार एक जो नेस्ट होता है उस नेस्ट एट्टी टू हंड्रेड नेट अटल्स निकलते तो ये जो होता है ये ऋषिकुल्ला रुकरी में होता है और एक गाहिर माथा भी एक जगह है वहाँ भी होता है बट गाहिर माथा में देखना अलाउ नहीं है लेकिन यहाँ पे ऋषिकुल्ला में विजिटर्स भी जाते हैं लेकिन इस बार चूँकि लॉकडाउन है तो बिना विजिटर्स के वहाँ हो रहा है तो तो हैचिंग जो है वहाँ चालू हो गया है और 40 टू 45 फाइव डेज बाद जब गर्मी बढ़ने लगेगा तो वहाँ पर वो ऋषिकुल्या रुकरी में वो ये सैंड हटाते हैं कोस्ट का और उसमें अंडे डाल देते हैं सैंड को वापस डाल देते हैं तो होता क्या है कि जब गर्मी बढ़ता है तो ये सैंड गर्म होता है गर्म होता है तो ये वाम्थ मिलता है एक को एक को वाम्थ मिलता है धीरे धीरे वो वो हैच करते हैं, हैच करने के बाद वो निकलते हैं और समुद्र में चल जाते हैं तो ये हर साल का ये कहानी है और ये लाखों लाखों लाखो फीमेल टर्टल्स आकर के यहाँ पे अंडे देती है जो ये टर्टल्स है इनका जो सेक्स क्या होगा मेल होगा कि फीमेल होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आप लोग बोलिए आप लोग टेम्परेचर अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल होगा या फीमेल होगा हाँ सही है ये फीमेल फीमेल तो फीमेल का नंबर जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो तो आगे चले हम लोग वाटर विजडम पे एक आर्टिकल आया हुआ है क्यों आया है वाटर विजडम पे इसलिए आया है क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे था ट्वेंटी सेकेंड मार्च को जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आ, वाटर क्राइसिस भी होगा क्योंकि जब वार्मिंग होता है और जो एयर है वो वार्म हो जाएगा तो वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी को अपने पास रख पाएगा ठीक मतलब कि एक तो होगा कि वार्मिंग है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा धरती से पानी हवा में जाएगा हवा से वापस उतना लौट के नहीं आएगा क्योंकि एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फोर परसेंट बढ़ जाता है ठीक तो ये जो होगा इस तरह से वाटर क्राइसिस होगा इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होता है और ज़्यादा बारिश शुरू हो शुरू हो जाता है और जहाँ पर कम होता है वहाँ और, और कम हो जाता है तो ये एनवायरमेंटल इशू आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये भी पढ़िएगा आप लोग खुद छोड़ रहे हैं लेकिन पढ़िएगा जरूर क्योंकि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये ये अभी हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन ज़रूर पढ़िएगा अच्छा किसी को कुछ पूछना है अच्छा जब तक पूछना तब तक, तक सोच लीजिए तब तो तक हम अपना कुछ बात कर लेते हैं कल आप लोगों को गैप दे रहे हैं आराम से पढ़िए वन हंड्रेड एंड सेवन या टेन पेजेज है और परसों हम लोग टेस्ट रखते हैं टेस्ट टेस्ट का डिस्कशन और डिस्कशन के बाद पॉलिटी तो परसों हो जाएगा सैटरडे और संडे दो दिन तो हम लोग पॉलिटी पढ़ ही सकते हैं तो ठीक है तो अभी क्लास क्लोज करते हैं और हम लोग परसों मिल रहे हैं इसी टाइम में आठ बजे